मेडिकल की फॉर्म में बेटे मैं आपको एक पहले क्वेश्चन करवाता हूं, इसमें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 248 न्यूटन बेटा। कैलकुलेट इट्स वेट, कैलकुलेट इट्स वेट एट ए हाइट एच इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ बेटे। सो डियर चिल्ड्रन, एक मैं आपको ये करके दिखाता हूं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला आप करना, फिर मैं करूंगा, फिर हम अपना आंसर्स भी बेटे मैच कर लेंगे। वेट आपको डियर चिल्ड्रन दिया हुआ है न्यूटन में, देखिएगा। सो वेट W 248 न्यूटन आपको प्रोवाइडेड है, अर्थ की सरफेस पे दिया हुआ है। और इज इट क्लियर बेटे, नाउ बोर्ड इज क्लियर और नॉट डियर चिल्ड्रन? चलिए, वेट बेटे 248 न्यूटन आपको प्रोवाइडेड है अर्थ की सरफेस पर, आपको 1/4 ऑफ द रेडियस के बराबर की हाइट पर बेटे वेट की वैल्यू जो है ये कैलकुलेट करनी है। आप जानते हैं कि जो जी की वैल्यू है एट ए हाइट एच, दिस इज इक्वल टू जी ऑन द सरफेस इनटू आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इसका सारे का स्क्वायर। ये बेटे हमारा जनरल फॉर्मूला है अपनी स्मॉल जी की हाइट के साथ वेरिएशन के लिए। अब बेटे क्या करते हैं, हम इसको दोनों तरफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। हमारे पास आ जाता है मास इनटू जी एट ए हाइट एच, मास इनटू जी ऑन द सरफेस एंड इट इज बेटे आर का स्क्वायर एंड आर प्लस एच इसका सारे का स्क्वायर, ये बच्चों बन जाया करता है। दिस इज बेटे वेट एट ए हाइट एच, वेट ऑन द सरफेस आर का स्क्वायर आर प्लस एच बेटे इसका सारे का स्क्वायर बेटे, ये चीज आपके पास बन जाएगी। और बच्चों देखिए, आपको हाइट उन्होंने 1/4 ऑफ द रेडियस के बराबर की बेटे दी हुई है। सो अब आप हाइट जो आपको दी हुई है बेटा, उस हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। W एट ए हाइट h, दिस इज इक्वल टू बेटे वेट, देखो आपको वेट की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, r का स्क्वायर एस एच, आर प्लस एच कितना है आपका r बाई 4, इसका सारे का स्क्वायर आ जाएगा जी। और आप देखेंगे अगर दिस इज इक्वल टू वेट ऑन द सरफेस r का स्क्वायर, इट इज आर आपने इस तरीके से भी सॉल्व कर लिया, 4 आपका एलसीएम बना, दिस इज 4 आर प्लस एन अदर आर इसका स्केयर कर दीजिएगा। तो जब आप इस तरीके से स्केयरिंग कर दोगे बेटा, आपके पास आपका जो ये वेट और एट ए हाइट एच है, इट विल बी वेट ऑन द सरफेस एंड बेटे इट इज आर का स्केयर, इन द डिनोमिनेटर 5 आर ओवर 4 इसका स्केयर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू वेट ऑन द सरफेस एंड ये आपके पास 16 आर का स्केयर डिवाइडेड बाय 25 आर का स्केयर आएगा, इट इज गेटिंग कैंसल्ड, दिस इज 16 बाय 25 इनटू वेट ऑन द सरफेस एंड इट इज बेटे 248 आपको दिया हुआ है। ये बेटे जरा कैलकुलेशन करके देखना ऑल ऑफ यू बेटा, ओके 158.72, वेरी नाइस, दिस इज 158.72 न्यूटन। इस तरीके से बाकी स्टूडेंट्स भी बेटे एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा डियर चिल्ड्रन, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फिर भी किसी भी बच्चे का बेटे रह ना जाए, सारे बच्चे एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट बेटे? यस डियर ऑल, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बात अगर बेटे इसमें दिक्कत वाली लगती है तो जरूर बताइए। हाँ जी बेटे, ओके ऑल क्लियर। सो आइए बेटे आगे चलें, एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसी टाइप का, लेट अस फोकस अपॉन दैट।
वी हैव फर्दर बेटे लेट अस फोकस अपॉन बेटे दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए बच्चों आगे चलें. इसके बाद डियर चिल्ड्रन आपको दिया गया है कि किसी भी न्यूमेरिकल को बेटे अगर हमने रिवर्स वे में हमें एग्जामिनेशन में दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे आपको अर्थ की सरफेस पे वेट अवेलेबल था एंड देन बेटे आपको क्या करना पड़ा कि हाइट एच आपको गिवन था, उस हाइट पे आपको वेट निकालना था. अगर बच्चों हम हाइट एच पर वेट हमें पहले ही प्रोवाइडेड हो, हमें इसको रेसिप्रोकल वे में करना पड़ जाए, तो लेट मी बेटे गिव यू दिस स्टेटमेंट पार्ट. बेटा न्यूमेरिकल नेक्स्ट वाला थोड़ा सा देखेंगे डियर चिल्ड्रन करके. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नीडेड टू बी कैलकुलेटेड इफ इट इज 92 न्यूटन एट ए हाइट h इक्वल टू r बाई 3. सो डियर चिल्ड्रन एक बार करके देखिएगा व्हाट वी आर गेटिंग और उसके बाद फिर बेटे हम चलेंगे आगे. ये अब जो हमने पहले न्यूमेरिकल किया था बेटे, ये इससे टोटली बेटे रिवर्स वे में करने वाला प्रॉब्लम है. आपको ये वेट दिया हुआ है एट ए हाइट h, ये वाला, तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे वेट जो है दैट इज वेरी मच नीडेड. बेटा आप एक बार करके देखिएगा बेटा और फिर बताइएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है. देन आई विल आल्सो बी सॉल्विंग. फिर हम बेटे अपना मैच कर लेते हैं कि आंसर्स कितने आ रहे हैं. राइट बेटे, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन एक बार करिएगा. मिलन, आशिता, अर्चिता, अर्शदीत, अश्मित, दिया, ईवा, गुरजात, सबका बच्चों में नाम नहीं ले पाऊंगा. सो ये सारे का सारा पर्टिकुलर्स आपके पास हैं, इसको भी एक बार ट्राई करिएगा ऑल ऑफ यू बेटा. वही फॉर्मूला लगेगा आपका बेटा जो हमने अभी अभी प्रेजेंटली किया है. बस जो चीजें दी हुई हैं वो थोड़ी बदल गई हैं, बाकी फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं. दिया बेटे हो रहा है, दिया बतर, ठीक है, करिए करिए, कंटिन्यू करिए बेटे. वेरी नाइस, गुड, टेक योर टाइम, आराम से करिए. सारे स्टूडेंट्स, यस, 207 न्यूटन दिया ने कैलकुलेट किया है. बाकी के बच्चे भी बेटे निकाल के देखिए, इज इट 207 न्यूटन और नॉट बेटे. रमनीक आल्सो कैलकुलेटेड, वेरी नाइस, गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. मिलन आल्सो कैलकुलेटेड, गुड. चलिए फिर बेटे, अब इट मींस कि सबका सेम आ रहा है तो मैं भी कैलकुलेशन कर देता हूँ. हाँ जी ठीक है बेटा, ईवा मैं भी करता हूँ, बाकी अब हम कंपेयर कर लीजिएगा. बच्चों वेट एट ए हाइट h, दिस इज इक्वल टू वेट ऑन द सरफेस, r का स्क्वायर, r प्लस h का स्क्वायर, ये बेटे हुआ करता है. अब हम बेटे जब वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंगली सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्पेशली हाइट की और इसकी वेट की, तो हमारे पास w निकल आएगा. बिफोर वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज बेटे, आपको जो w निकालना है उसको लेफ्ट साइड पर एडजस्ट कर लीजिए. W आपके पास आ जाएगा वेट एट ए हाइट h, r प्लस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर बेटे. इसको इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए हैं, ये एडजस्टमेंट आपने किया है. इट विल बी इक्वल टू वेट एट ए हाइट h बेटे, आपको 92 न्यूटन दिया हुआ है, h दिस इज r बाय 3, इसका कंप्लीट स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर बेटे r का स्क्वायर. सो वी विल हैव वेट on the surface to be 92
और बच्चों ये आ जाएगा एलसीएम आपने लिया थ्री थ्री आर प्लस एन अदर आर, इसका स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर अगेन आर का स्क्वायर, वेट इट विल बी इक्वल टू 92 एंड थ्री आर प्लस वन आर दिस इज फोर आर डिवाइडेड बाई थ्री, इसका स्क्वायर इनटू वन बाई ये वन बाई आर स्क्वायर बेटे मैंने अलग से लिख दिया। सो पुत्र जी दिस इज गोइंग टू बी 92 इनटू फोर का स्क्वायर 16, थ्री का स्क्वायर 9 एंड आर का स्क्वायर एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड चेक करके देखिएगा बेटी कितना बनता है ये अब आपका ऑल ऑफ यू, ये कुछ और आ रहा है लगता है बेटा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दिस इज नीडेड टू बी कैलकुलेटेड इफ इट इज 92 न्यूटन एट ए हाइट एच इज इक्वल टू आर बाई थ्री। सो आर बाई थ्री अपने पुट कर दिया, ये थ्री थ्री आर प्लस एन अदर आर फोर आर बाई थ्री, फोर का स्केयर 16/9। हाँ जी बेटे, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। और ये 9 10s are 90 और 9 2s are 18, अगेन 9 2s are 18, बच्चों कितना था 163.5। यस 163.5 न्यूटन, पहले आपका 207 आ रहा था बच्चों का काफी वाई टी सो बेटा। हाँ जी पूर्व भी ठीक है बेटे बिल्कुल ठीक है। डियर चिल्ड्रन पहले 207 किस तरीके से बना पत्थर चेक करिएगा, कितना कैलकुलेशन दी चेक करके देखिएगा। दिया रमीक मिलन, हाँ जी बेटे एक बार, हाँ जी ठीक अब ठीक है बेटे अब ठीक है बिल्कुल ठीक है। अच्छा आर बाई टू आपने ले लिया था, ओके अवॉइड दैट बेटे, ध्यान रखिए इस चीज का ध्यान रखा करो कि आपको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। राइट बेटे ठीक है, एक और ऐसा लिखवा देता हूँ फिर आपका थोड़ा और इसके ऊपर बेटे ग्रिप बढ़ जाएगा। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर हम बेटे दूसरी टाइप के करते, एक और इस तरीके का करके देख लीजिए। लेट अस हैव द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट एच इक्वल टू वन फिफ्थ ऑफ आर इज 35 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स वेट एट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे पुत्र जी आपको वेट जो है ये निकालना है, बाकी चीजें आपके पास हैं। बेटी 2 मिनट्स डिवोट करिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल मिलता जुलता है। एक बार रीचेक कर लीजिएगा बेटे स्टेटमेंट को भी और देन इसको बेटे आप करके देखिएगा कि ये क्या आ रहा है। बेटे ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन टेक 2 मिनट्स कंप्लीट करिए इसको, देन बेटे फिर हम आगे चलते हैं। वेरी नाइस बेटे वेरी नाइस, सेम फॉर्मूला पुत्र वंस अगेन, मैं नहीं लिखूंगा करिए पहले, मैं 1 मिनट के बाद करता हूँ, आप सारे कैलकुलेट करिए। इस बार कैलकुलेशन में मिस्टेक पुत्र नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे ध्यान से कैलकुलेशन वर्क करेंगे, कोई भी मिस्टेक ना कैलकुलेशन में आए बच्चों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा फिर मैं अभी बेटे सॉल्व करता हूँ, तब तक आप देखिए इसको। लवलीना बेटे वेट जो है बढ़ना चाहिए, कम थोड़ी होना चाहिए, ये इस हाइट पे वेट दिया हुआ है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, बढ़ना चाहिए कम नहीं होना चाहिए। चलिए मैं करता हूँ, आप अपना जरा कंपेयर करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इज इट देयर और नॉट। इसको मैं लिखा रहने देता हूँ प्रेजेंटली, एच
जब आपका 1/5 R के बराबर है तो 35 न्यूटन का वेट है। वेट एट ए हाई टच, दिस इज वेट ऑन द सरफेस, आर का स्केयर अपॉन आर प्लस एच का स्केयर, ये हमारा बेटे जनरल फॉर्मूला है 50.4 पर निकाल। कोई नहीं बेटे, करते हैं कैलकुलेशन। वेट ऑन द सरफेस बन गया जी वेट एट ए हाई टच इंटू आर प्लस एच का बच्चों स्केयर इन द डिनोमिनेटर आर का स्केयर। अब वेट एट ए हाइट एच आपको दिया हुआ है 35 न्यूटन, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और एच आपको दिया है आर बाई फाइव, इसकी वैल्यू भी पुट करिए। आई वैल्यूज लेके सारी साथ साथ आप सब्स्टिट्यूट करें और कैलकुलेशन भी परफॉर्म करें। वेट एट ए हाइट एच 35 न्यूटन का है, एच बेटे आपको आर डिवाइडेड बाई फाइव दिया हुआ है, इन द डिनोमिनेटर आर का स्केयर आपके पास है, सच है, इसको हमने लिख दिया। सो दिस इज बेटे 35 इंटू दिस इज 5 आर प्लस एन अदर आर ओवर 5 इसका स्केयर, और ये 1/R स्केयर, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ समथिंग लाइक दिस। और ये फिर बच्चों आपके पास आ गया 35, दिस इज 5 प्लस 1 6, 6 बाई 5 का स्केयर इंटू आर इसका स्केयर, ये आर का स्केयर, दीज आर गेटिंग कैंसिल्ड। वेट एट ए हाइट आपके पास 35, 6 का स्केयर 36, 5 एस सच 25 दे देगा आपको, 5 5 आर 25, एक मिनट बेटे वेट करिएगा, 5 5 आर 25, 5 7 आर 35, और 1.4 बन गया। 36 इंटू 1.4 बेटे कितना बना पनी का उत्तर, ओके 50.4 न्यूटन। सो 50.4 न्यूटन आपका, चेक करके बेटे बताइएगा, ये 50.4 ही बन रहा है ना बेटे मिलन, ओके ओके ओके, राइट 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 राइट। हरनूर सिंह, हरसिमरन सिंह, रमनीत कौर, राइट बेटे, राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया बेटा, दिया बेटा कैलकुलेशन में कहां मिस्टेक हुआ, चेक करके बताओ मुझे, दिया दिया, ठीक है बेटे करिए चेक और बताइए कैलकुलेशन में। अच्छा स्केयर नहीं कर पाए आप बच्चों, ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा ना अपना देखो बेटे, इस पे वर्क करो कैलकुलेशन में। अब देखिए, अब आपकी जो सेकंड टर्म है इसका एंड ऑलमोस्ट आने वाला है, तो अब अगर हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी बेटे, हमें थोड़ा सा ध्यान से करिएगा काम। आइए मैं एक आपको डेप्थ वाला प्रॉब्लम बेटे देता हूँ कि डेप्थ के साथ जी कैसे वेरी करता है। आइए बेटे देखें नेक्स्ट बेटे, न्यूमेरिकल है, डियर चिल्ड्रन, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ is 95 न्यूटन, कैलकुलेट द वेट एट ए डेप्थ d इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये बेटे मैं करता हूं सॉल्व, इससे अगले वाला आप करना, मैं आपके लिए एक और देता हूं फिर। डियर चिल्ड्रन, वेट एट ए डेप्थ डी जो है दिस इज इक्वल टू वेट ऑन द सरफेस इनटू बेटा आपने ऑलरेडी कर रखा है आर माइनस डी अपॉन आर। सारे स्टूडेंट्स चेक करिए, यू आर फैमिलियर विद दिस रिलेशनशिप और नॉट बेटा, फॉर्मूला याद है सारे बच्चों को, आस्था, अर्चिता, अर्शप्रीत, दिया, मिलन, लवलीना, ईवा, गुरजाप, हरनूर, हरसिमरन, नहीं बोल रहे हैं दोनों बच्चे आज, ये ठीक है बेटे, ठीक है राइट।
अब ये वैल्यूज बेटे पुट कर दीजिए, देखिए डी आपको दिया हुआ है 1/3 ऑफ आर एंड वेट ऑन द सरफेस है 95 न्यूटन। पुट कर देते हैं वैल्यूज, वेट एट ए डेप्थ बी, सरफेस पे वेट 95 है, आर को आर ही रहने दिया, डी आपका बेटे R/3 है, इन द डिनोमिनेटर अगेन आर आपने लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे डियर, सो आइए बेटे इसको सॉल्व करके देखें। वेट एट ए डेप्थ बी 95 × 3R − R/3 × 1/R, मैं ऐसे कर देता हूं। वेट एट ए डेप्थ बी इज 95 × 2R/3 × 1/R, ये कट गया और ये आ गया जी। एंड वेट एट ए डेप्थ बी कितना बन गया, सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री फोर न्यूटन। चेक करिएगा बेटा, राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक किया आपने बेटा, दिया, वेरी नाइस। अब आपका कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है, राइट। बाकी स्टूडेंट्स भी बेटे देखो, कोई दिक्कत ना आए किसी को भी। आस्था का अलग क्यों आ रहा है बेटा? बेटे ये मेहर, मेहर रोल नंबर 27, 6। बेटे देखना जरा, हाँ जी ठीक 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 है बेटे, ठीक है, ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। बेटा एक अब आपके लिए मैं और न्यूमेरिकल देता हूं डेप्थ के साथ रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, आइए बच्चों देखें, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट, लेट अस हैव दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, वेट एट ए डेप्थ डी इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस आर इज 28 न्यूटन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वेट एट ए हाइट, सॉरी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट का रहने दो, सरफेस पे निकाल लीजिए, हाइट वाला फिर नेक्स्ट वे में आपको करवा देता हूं मैं। डेप्थ पे वेट आपको बेटे दिया हुआ, उल्टा करके मैंने पूछ लिया अब आपसे। ये देखिए जी, डेप्थ डी आपका 1/4 ऑफ द रेडियस है एंड वेट एट ए डेप्थ डी 28 है, आपको वेट ऑन द सरफेस रिक्वायर्ड है। फार्मूला लिखिए, फिर उसको फॉर्मूला को रीशफल करिए, टर्म्स को रादर, फॉर्मूला में जो टर्म्स दी हुई हैं उनका रीशफल करिए। रीशफल करने के बाद फिर आप बेटे वेट निकाल के देखिए कि सरफेस पे वेट कितना आता है, वही फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। एक मिनट लगाइएगा, आई विल ऑल्सो बी सॉल्विंग दैट, फिर हम मैच कर लेते हैं बेटा। सारे स्टूडेंट्स उत्तर करके देखो जी, देव ठाकुर, वैभव, सार्थक, प्रयाग, मन्नत, अश्मित, तनीषा, अनुष्का, शुभम, रिजुल, रोहन, रमनीक, सारे बच्चे करके देखो बेटे। हाँ जी बेटे हर्षप्रीत कौर, करके देखिए बेटे कितना आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए कितनी आ रही है जी। सारे स्टूडेंट देखिए, ये नहीं माइनस में पनिका क्यों आ रहा है पुत्र, माइनस में नहीं होता वेट पनिका। हाँ, ठीक ठीक ठीक, चलिए मैं भी करता हूं। वेट एट ए डेप्थ बी, दिस इज वेट ऑन द सरफेस, R − D/R, ये बेटे हमारा ठीक है बेटा दिया। आपको वेट चाहिए W, दिस इज वेट एट ए डेप्थ D,
आर अपॉन आर माइनस डी कर दीजिए, वेट इट इज वेट एट द डेप्थ डी, ये आर अपॉन आर माइनस आपको आर बाई फोर दिया हुआ है, इट इज वेट एट ए डेप्थ डी आर अपॉन फोर आर माइनस आर अपॉन फोर, दिस इज इक्वल टू वेट एट ए डेप्थ डी फोर आर अपॉन थ्री आर, ये आर कट गया और आपके पास बन गया जी वेट एट ए डेप्थ डी इंटू फोर बाई थ्री उत्तर। यस ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड लेट अस फर्दर कैलकुलेट। दिस इज इक्वल टू 28 आपको दे रखा है, दिस इज 4 बाई 3 और ये 37.36 न्यूटन आ रहा है, तो सबका चेक करिएगा। यस विद डियर चिल्ड्रन, दिया आंसर मैच करा पुत्र, ओके नाइस विद, ठीक है बेटा, वेरी राइट बेटे वेरी राइट। सो बेटे ये कुछ ये कोई कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं थे, ये आपके सीधे सीधे हाइट और 37.33 मिलन, कोई बात नहीं बेटे। यहाँ पे पॉइंट्स में एक पॉइंट मैंने आगे वाला लेकर छोड़ दिया है, लवलीना करेक्ट बेटे। अगर बेटे हमें राउंड ऑफ करना पड़ जाए तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो राउंड ऑफ करके आपका लिखा हुआ आंसर बेटे गलत नहीं होता है। अगर आपका पॉइंट्स में आप टू द सिंगल और सेकंड डेसिमल कोई फर्क पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं बेटे, होती नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके बेटे, ओके ओके राइट बेटे राइट। सो बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हमारे काफी हैं इसके साथ रिलेटेड, ये आर्टिकल्स भी इटसेल्फ करने वाले हैं, इन आर्टिकल्स को एक बार डिराइव करके देखिएगा, फिर बेटे इन द टाइम टू कम मैं और आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा बेटे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, किसी बच्चे ने कोई बात बेटे पूछनी है कोई और तो मुझे जरूर बताइए बेटे। ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, ओके नाइस बेटे, थैंक यू ऑल पुत्र, थैंक यू बेटा।